सभी साथियों को मेरा जोहार। आज का वीडियो होने वाला है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए। आपके मन में जितना भी क्वारीज है जिसको लेकर लगातार आप लोग हमको जीमेल कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल कर रहे हैं, हमसे कर रहे हो या फिर किसी और से कर रहे हो, आपके मन में जो भी क्वारीज है ना, उस सभी का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मैं देने का प्रयास करूंगा। बस आपको वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है और वीडियो देख लेने के बाद में अगर इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करते हो अपने अपने माध्यम से अपने अपने बैचमेट के पास और अच्छा खासा इसमें व्यूज आएगा तभी इस तरह का वीडियोस आपके लिए बीच बीच में लाया करेंगे। अन्यथा जो गैपिंग आप देखे ही होंगे कि पिछला वीडियो जो जेओटी के ऊपर था वो बहुत पहले का था और उसके बाद आज मैं ला रहा हूँ क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सपोर्ट कीजिएगा तो हम अपना ड्यूटी करते हुए अपना पर्सनल लाइफ से समय निकालते हुए आपके लिए मैं वीडियोज देने का प्रयास करूंगा। बात करते हैं डिप्लोमा सेकेंड ईयर का। सेकंड ईयर का मतलब दो कंफ्यूजन है। पहला क्या कि डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन वो लोग दे चुके हैं उसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, जबकि उसी समय में एग्जामिनेशन हुआ था फिफ्थ सेमेस्टर का, उनका रिजल्ट तो आ चुका है, तो आप लोग का देरी क्यों हो रहा है, क्या कारण है। देखिए, डिप्लोमा फिफ्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर परीक्षा एक साथ हुआ ये सच्चाई है, बट डिप्लोमा जो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट और उनको इसी साल पास आउट करना है, इस कारण से उनका प्लेसमेंट का जो ड्राइव चलता है कॉलेज लेवल पे या फिर जेओटी लेवल पे उसको देखते हुए उनका रिजल्ट को पहले पब्लिक कर दिया गया। बट आपका क्या है कि आपको अभी एक साल और पढ़ाई करना है जेओटी के अंतर्गत कॉलेज में रहकर, ठीक ना। तो आपको रिजल्ट देर से भी दे रहा है तो उसके लिए परेशानी वाली बात नहीं है। आपको प्लेसमेंट में बैठना हो या फिर आपको D2D का फॉर्म भरना, वो सारा कुछ आपके लिए अगले साल होने वाला है। बट जो आपके सीनियर्स हैं उनका D2D हो या फिर प्लेसमेंट हो, उनका तो जो होगा 5-6 महीना के अंदर ही होने वाला है सब कुछ क्लियर, इस कारण से उनका रिजल्ट पहले दे दिया गया। आपका रिजल्ट मान के चल सकते हो कि अगला महीना तक के बीच में आपका आ जाएगा। अभी आप सभी का मई चल रहा है तो मई से लेकर जून के बीच में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, ठीक है। यह हो गया डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट के ऊपर में। अब फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कब तक होगा, तो आपका एग्जामिनेशन जून में होगा। हम पहले ही वीडियो बनाकर बता चुके हैं कि चाहे फोर्थ वाला हो या सिक्स वाला, दोनों का एग्जामिनेशन आपका इलेक्शन के बाद ही होने वाला। इलेक्शन के समय में सारा कॉलेज सारा स्कूल क्या होता है, चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है और वहां पे चुनावी कार्यों का कार्य किया जाता है। इस कारण से कॉलेज में आपका एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। इस कारण से डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन आप सभी का जून में होगा। 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद सारा कॉलेज सारा कुछ फ्री हो जाएगा, तब आप सभी का एग्जामिनेशन होने का शेड्यूलिंग रहेगा, ठीक है। बात करते हैं डिप्लोमा फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट के ऊपर। देखिए, फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे बच्चों को क्या लग रहा होगा कि उनका रिजल्ट खराब हुआ है। मतलब होता है बहुत सारे बच्चे, एक बच्चा इसका फर्स्ट अच्छा गया, सेकंड अच्छा गया, थर्ड अच्छा गया, फोर्थ अच्छा गया, फिफ्थ में किसी कारण से किसी पेपर में उसका बैक लग गया हो, अब तो वो क्या करे, उसको लग रहा है कि हम तो सब कुछ सही से लिख के आए। तो अगर आप सब कुछ सही से लिख के आए हो तो इसके लिए आप अपने कॉलेज लेवल पे बात करके एक RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत में आप JUT के पास निवेदन दे सकते हैं। इसका जो प्रक्रिया होता है वो तरह तरह का होता है। एक होता क्या कि रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन एक नोटिस भी आता है, उस नोटिस के माध्यम से फॉर्म भरिएगा तो आपको RTI का मौका मिलेगा। बट RTI मतलब होता है कि आप कभी भी किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। अगर आपका जो डेट 3 या 4 तारीख तक डेट था आपका RTI दायर करने का रिजल्ट जो आया था उस दिन जो नोटिस था उसके आधार पे, तो वो फेल हो चुका है। बट अभी भी आप चाहो तो अपने कॉलेज लेवल पे एप्लीकेशन लिख दीजिएगा कि आपको उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का पार्टिकुलर कॉपी में आपको लग रहा है कि आपको नंबर अच्छा आएगा, आप एक एप्लीकेशन लेकर कॉलेज में दीजिए। आप कॉलेज वाले को बोलिए फॉरवर्ड करेगा यूनिवर्सिटी, और अगर कॉलेज वाला फॉरवर्ड नहीं करता यूनिवर्सिटी किसी कारणवश या उसका मन नहीं है या आपको सपोर्ट नहीं कर रहा कॉलेज वाला, उस कंडीशन में सेम एप्लीकेशन को लिख के आप सीधा रांची का JUT कैंपस पहुंच जाइए नामकुम में। ये मत सोचिएगा कि वहां पहुंचने से किन से बात करना क्या दिक्कतें हो, कुछ दिक्कतें नहीं होगा। वहां जाना है JUT कैंपस के अंदर में, पता करना है कि VC सर कहाँ बैठते हैं, वाइस चांसलर सर का ऑफिस कहाँ पे, उसी ऑफिस के अगल बगल में बहुत सारा डिपार्टमेंट बहुत सारा ऑफिस होता है जहाँ पे बच्चों की समस्याओं को सुना जाता है। वहाँ पे जाइएगा, अच्छे तरीका जाइएगा, अपनी बातों को रखिएगा, अपनी बातों को बताइएगा, वो लोग आपसे एप्लीकेशन मांगेंगे, एप्लीकेशन लिख के जमा कर दीजिएगा। अगर आपका चांसेस होगा कॉपी दोबारा चेक हो जाने का तो वहां से वो लोग कॉपी दोबारा चेक करेंगे, और जो भी रिजल्ट आपका सही से आएगा वो कॉलेज पे दोबारा से आएगा, कॉलेज आपको दोबारा से दे देगा। ये प्रक्रिया आगे सोचिएगा, घर बैठे बैठे मेरे पास टीचर आएंगे, मेरे पास कॉलेज के प्रिंसिपल सर आएंगे, मेरे पास JUT का कोई स्टाफ आएगा पूछेगा हमसे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपका समस्या आपको घर से निकालना होगा, सीधा रांची पहुंचना होगा। हम तो बोलेंगे कॉलेज का लेवल का बात ही छोड़ो, आपको समस्या लगता है कि किसी पार्टिकुलर कॉपी में, अगर हम ही फॉर एग्जाम्पल अगर हमको लगता है हम 80 में 80 लिख कर आए और हमको 80 में 16 नंबर मिल रहा है और हमको पूर्ण भरोसा है कि हम अच्छा से कॉपी भरे हैं, अच्छा तरीका सही सही बातों को लिखे, वहां पे आंसर सिर्फ सही से लिखे, सीधा हम रांची का रुख करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सोचेंगे कॉलेज वाला मेरा हेल्प करेगा, नहीं, हमको रिजल्ट सुधरवाना है, इसके लिए टाइम नहीं होता है, जो होता है इमिडिएटली होता है। इसको देखते हुए रांची सीधा जाएंगे, वहां एप्लीकेशन लिख के देंगे, वहां अपनी बातों को बताएंगे सर कि हम सही से लिखे हैं, मुझे पूर्ण भरोसा है सर, कॉपी दोबारा से रीचेक होना चाहिए मेरा, इस तरह का बात करिएगा, आपका समाधान बिल्कुल होगा, ठीक है।
तो ये हो गया डिप्लोमा फिफ्थ सेमेस्टर का। दूसरी बात, हमने हमेशा कहा है कि भैया फोर्थ तक क्या क्यों नहीं क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर रिजल्ट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी कारणवश किसी पेपर में बैक लग जाता है, अगर एक में लगा हो, दो में लगा हो, तीन में लगा हो, तो आपको प्रमोटेड तो कर दिया जाएगा सिक्स सेमेस्टर में, बट आपका रिजल्ट फंस गया। अब आपका लाइफ में क्या है, देखिए फिफ्थ का बैक मतलब क्या हुआ कि आप फिफ्थ में बैक लग गया, सिक्स में प्रमोटेड हो, तो सिक्स का एग्जामिनेशन जो जून में होगा उसको तो आप फेस कर ही दीजिएगा, उसको तो आपको देने का मौका बिल्कुल मिलेगा क्योंकि आपका रिजल्ट में प्रमोटेड लिखा हुआ होगा, ठीक ना। आप दीजिएगा सिक्स रिजल्ट, बट सिक्स कर पास, सिक्स को पास कर भी जाइएगा ना, तो ओरिजिनल पासिंग, ओरिजिनल माइग्रेशन, यहाँ तक कि आपका जो आता है रिजल्ट फिफ्थ का, उसके बाद सिक्स सेमेस्टर का, ये सब बनकर नहीं आने वाला जब तक आपका पूरा बैक क्लियर ना हो। और बैक का एग्जामिनेशन कब होगा फिफ्थ वाला, तो आप सभी को मालूम है कि जब फिफ्थ का दोबारा से एग्जामिनेशन आपका जूनियर का होगा अगले साल 2024-25 में, तभी आपको ये मौका मिलने वाला है कि आप इस फॉर्म को भर के दोबारा एग्जामिनेशन दीजिएगा। ये तो नियम हो गया कि अगर फिफ्थ में बैक लगा तो फिफ्थ का परीक्षा का इंतजार आपको करना ही पड़ेगा ताकि आपका सब कुछ क्लियर हो, तब जाके आपको पासिंग, माइग्रेशन सब कुछ मिल सके और आप लाइफ में आगे बढ़ सको। और ये मैं प्रयास भी करूंगा, और आप सभी का अगर सपोर्ट रहता है, बहुत सारे बच्चे लोगों का बैक लगा हुआ है, तो हम नहीं चाहेंगे कि बच्चा एक साल इंतजार करे इस चीज़ को लेकर कि फिफ्थ एग्जामिनेशन अगले साल होगा, सिक्स का जून में दे देंगे हम, तो हम क्या करेंगे बैठे बैठे, डी टू डी में एडमिशन नहीं होगा, जहाँ जहाँ का प्लेसमेंट हो चुका वहाँ वहाँ उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, वहाँ से रिजल्ट मांगा जाएगा, फिफ्थ तो आप ला कर दे नहीं पाइएगा। तो हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से अगर 2 से 3 हज़ार व्यूज आता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का फिफ्थ में बैक लगा हुआ, अब बहुत सारे बच्चे फिफ्थ में फेल भी हुए होंगे, बैग भी लगाए होंगे, तो हम चाहेंगे कि आप सभी का सपोर्ट हो जाने के कारण से यूनिवर्सिटी में एक निवेदन देंगे अपने माध्यम से, हर वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे कि एक स्पेशल एग्जामिनेशन लिया जाए डिप्लोमा फिफ्थ सेमेस्टर का। इससे क्या होगा कि आपका एग्जामिनेशन जो अगले साल होता है आपके जूनियर के साथ में, वो बहुत पहले हो जाएगा। अब कब तक होगा ये कंफर्म नहीं मैं कहने कह सकता हूँ, आप लोगों का सपोर्ट आने पे मैं एप्लीकेशन लिख के दूंगा, वहाँ से क्या फीडबैक आता है कि एग्जामिनेशन का चांसेस किस मंथ में है, कब तक होने की संभावना है, होगा कि नहीं होगा, उस पर आगे हम बातें बताएंगे। बट आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ही ये चीज़ को हम आगे लेकर यूनिवर्सिटी के लेवल में बात रखेंगे कि हाँ बहुत सारे बच्चे फेल हुए, बहुत सारे बच्चों का डिमांड है, डिमांड को देखते हुए आप डिप्लोमा फिफ्थ सेमेस्टर का दोबारा से एग्जामिनेशन को लीजिए, ताकि बच्चा का फिफ्थ भी क्लियर है, सिक्स भी क्लियर है, बच्चा अपना लाइफ में आगे बढ़ सके, ठीक ना। और ये बात याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी के लोग भी मेरे वीडियो को देखा करते हैं, वो लोग भी देखते हैं कि भैया जो कुंदन जो बात बता रहा बच्चों को या बच्चों से जो निवेदन कर रहा है उसमें कुंदन को कितना लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका व्यूज आपका लाइक पे भी असर पड़ता है मेरे चैनल पर कि हाँ भाई इतना लोग देख रहा है, इतना लोग लाइक किया, इतना लोग इनको शेयर किया जा रहा है, तो ये बात जेन्युइन है, यूनिवर्सिटीज के ऊपर एक्शन लेता है। और अभी से नहीं, 2018 से हम काम कर रहे हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 होने वाला है, 24 चल ही रहा है मतलब, तो इतना सारा लगातार हम काम करें, जो भी बातों को रखा मैंने यूनिवर्सिटी के सामने, सारा कुछ के ऊपर समाधान हुआ है, तो आप लोग के ऊपर डिपेंड है। और सिक्स सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन आप सभी का जून में होगा, 4 जून का बाद ही आप एग्जामिनेशन का शेड्यूलिंग है। फिफ्थ में गड़बड़ हो चुका, अगर आप प्रमोटेड हो चुके तो सिक्स पे फोकस कीजिए, फिफ्थ के लिए आप और हम दोनों मिलकर प्रयास करेंगे एग्जाम जल्द से जल्द दिया जाए। और थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट के बारे में बात हुआ है, तो आपको अगर लेट से भी आता है, चाहे वो कल आए चाहे एक महीना के बाद में, आपको उसके लिए कुछ करना तो है नहीं, आपको फोर्थ का पढ़ाई पर ध्यान देना, फोर्थ एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस करना है, ठीक ना। तो ये रहा अभी तक का इन्फॉर्मेशन, मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। आज जिनको जिनको लगता है कि भैया मेरा अच्छा नंबर आ सकता था, हमने मेहनत किया था, उसके ऊपर सीधा यूनिवर्सिटी रांची पहुंचिए, रांची का एड्रेस लिखेगा ये गूगल क्रोम में, JUT का ऑफिस कहाँ पर है, जो एड्रेस दिखेगा उस एड्रेस में वर्किंग डेज के अंदर, मैं ऐसा नहीं कि संडे को पहुंच गए या फिर हॉलीडे पहुंच गए, हॉलीडे संडे को देखते हुए जो वर्किंग डेज होता है उसमें आप सुबह 10 से लेकर शाम का 4 बजे के पहले पहुंचिए, अपनी बातों को रखिए, एप्लीकेशन के माध्यम से वहाँ रिक्वेस्ट कीजिए, उस रिक्वेस्ट को बिल्कुल वहाँ से माना जाएगा, और नहीं माना जाता है तब तो बात ही अलग है, बट मुझे पूर्ण भरोसा है कि माना जाएगा, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी बहुत बार बहुत सारे बच्चों के लिए गए हैं, जब गए हैं तो बातों को माना गया, ऐसा नहीं कि हमारा एक फेस वैल्यू तो हमारा ही बात को सुना जाएगा, आप नॉर्मल बच्चे हो तो आपको बात नहीं सुना जाएगा, आप नॉर्मल बच्चे हो, आप चाहे प्राइवेट से हो, चाहे सेमी से हो, या चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हो, आपका बात को भी सुना जाएगा, ठीक ना। कि आपके आपको अपने लिए खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा कि कहीं प्रोटेस्ट होने वाला है, कहीं कुछ सोशल मीडिया में कैंपेन चलाया जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपका रिजल्ट खराब हुआ या तो दो कारण हो, या तो आपने पढ़ाई नहीं किया होगा, या फिर आपने पढ़ाई किया होगा। आपने पढ़ाई नहीं किया होगा तो ये आपको मालूम होगा, इसके लिए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आपको खुद ही मन नहीं करेगा कि हम क्या पढ़ेंगे जब लिख के ही नहीं आए तो। और अगर आपने लिख कर मन से पढ़ के एग्जाम देकर आया है तो फिर रुको मत, इंतजार मत करो, सीधा JUT कैंपस जाओ और लेट नहीं करना है, ठीक ना। उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ चुका है, समझ में आ चुका है, दोबारा से मैं जो कमबैक किया हूँ आप सभी के पास इस वीडियो के माध्यम से, शेयर कीजिएगा होमवर्क के, ताकि आगे का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, फिफ्थ का एग्जामिनेशन कब तक होने की संभावना है, मैं उसके लिए क्या प्रयास करने वाला हूँ, ये सब बात बताने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।